हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बैच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंपेरिजन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाएगा कि कौन सा इरेशनल नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन पहले के लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद में आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस लेक्चर को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपेरिजन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी कुछ टर्म्स होते हैं उनको हम जान लेते हैं कि भाई उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, उन टर्म्स को किस नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है, अभी तक आप लोगों ने ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो देखो, ध्यान से देखना, तो हमारे दो टर्म्स हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं, ऑर्डर एंड रेडिकेंट क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको रेडिकेंट बोला जाता है, किसको ऑर्डर बोला जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो, आपने ये साइन बार बार पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट में भी पढ़ा होगा ऐसा साइन, और क्यूब रूट में भी ये साइन होता है, आगे 3 लग जाता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये साइन होता है, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल साइन। अब ये रेडिकल साइन कहाँ से निकल के आया उसको समझो। एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है रेडिक्स और उसका मतलब होता है रूट, तो वहाँ से ये टर्म निकल के आया, तो इस वाले साइन को क्या बोला जाता है, रेडिकल साइन। ये चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद में देखो, एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, जैसे कहीं पे यहाँ पे रेडिकल, देखो यहाँ पे सब चारों केसेस में क्या दिख रहे होंगे आपको, रेडिकल साइन दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है, भाई यहाँ पे रेडिकल साइन है, इसको रूट पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब, इसको यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसको क्यूब रूट पढ़ा जाता है। यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसको 4th रूट पढ़ा जाता है। और यहाँ पे n दिख रहा है, इसका मतलब है nth रूट। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कोई भी नंबर के ऊपर जब रेडिकल साइन लग जाता है तो वो जो पूरा नंबर है ना रेडिकल साइन के साथ में, उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, रेडिकल या फिर सर्ड बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है देखो, कि व्हेन ए नंबर इज प्रोसीडेड विद अ रेडिकल साइन द नंबर इज कॉल्ड रेडिकेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रूट टू, तो रूट मतलब 2 एक नंबर था, उसके ऊपर क्या लग गया हमारा, रूट टू लग गया, यानी रेडिकल साइन लग गया। तो अब ये जो रूट टू है ये क्या कहलाता है, रेडिकल या फिर सर्ड कहलाता है। आई होप आप लोगों को सर्ड का और रेडिकल का क्या मतलब होगा वो समझ में आ गया होगा, और रेडिकल साइन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं मैं कि जो रूट वाला साइन होता है उसको रेडिकल साइन बोला जाता है, और रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दिया हमने तो वो रूट के साथ में जो पूरा नंबर होगा उस नंबर को हम रेडिकल या फिर सर्ड बोलते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक टर्म और होता है, वो क्या है, रेडिकेंड क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है उसको समझो। तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे रूट 25 लिया है, रूट 25 में देखो ये रूट के का जो साइन है ना, ये वाला साइन, इसको तो रेडिकल साइन बोला जाता है, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे हम। यहाँ पे 3 लग जाएगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 लगेगा तो 4th रूट हो जाएगा, तो ये तो रेडिकल साइन है। और ये जो पूरा नंबर है रूट 25, ये क्या कहलाएगा, रेडिकल या फिर सर्ड कहलाएगा। इसके साथ ही इसके रूट में यानी रेडिकल साइन के अंडर में जो लिखा हुआ है नंबर, कौन सा, 25, तो द नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो अब बहुत 3 टर्म्स हो गए, एक तो रेडिकल साइन जो रूट है उसको रेडिकल साइन बोलते हैं, रूट के साथ पूरा नंबर क्या कहलाता है, रेडिकल या फिर सर्ड भी बोल सकते हैं उसको, और रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है मतलब रेडिकल साइन के अंडर में जो लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंड कहलाता है। तो यहाँ पे रेडिकेंड कितना होगा, 25 होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जांपल से और समझाऊँ, तो जैसे कि यहाँ क्या है, ये तो रेडिकल साइन है, ये पूरा क्या कहलाएगा, सर्ड या फिर रेडिकल कहलाएगा। और रूट के अंडर में क्या लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंडर में 14, तो 14 को क्या बोला जाता है, रेडिकेंड बोला जाता है। आई होप ये तीनों टर्म्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर का भी मतलब बता देता हूँ, इसके साथ ही फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम कंपेरिजन को पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कहीं यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ छोटा सा एन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंथ रूट ऑफ ए। अब इसका मतलब समझना, ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा, क्योंकि रूट वगैरह के साथ में लिखा हुआ है। ए को क्या बोलेंगे हम, रेडिकेंड बोलेंगे, क्योंकि रूट के अंडर में लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, रेडिकेंड होगा।
यहां जो नंबर लिखा हुआ ना एन, इसको बोला जाता है ऑर्डर। तो इस वाले नंबर का ऑर्डर कौन सा? एंथ ऑर्डर है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो जैसे यहां पे दिया हुआ ये, तो यहां पे ये जो 64 है ये तो रेडिकेंड कहलाएगा, और ये जो 4 है ये क्या कहलाएगा? इसका ऑर्डर कहलाएगा। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जब हम स्क्वायर रूट के सेंस में देखते हैं तो इसको ऑर्डर बोलते हैं, और यही चीज क्या होती, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या फिर हम पावर बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, वो है कंपैरिजन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाएगा, तो इसका जो मेथड है वो यहाँ मैंने लिखा है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग 3-4 क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखेंगे। तो देखो मेथड क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है, कन्वर्ट ईच इरेशनल नंबर इन टू एन इरेशनल नंबर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब हमें जो भी इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनका ऑर्डर सेम करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो। अगर दिया हुआ है तो हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगर दो सभी नंबर्स का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर को सेम बनाएंगे फिर आगे देखेंगे क्या करना। फिर उसके बाद में क्या करना है, कंपेयर द रेडिकेंड। रेडिकेंड का मतलब जो भी अंडर द रूट होगा, अंडर द रेडिकल साइन लिखा हुआ होगा, उनको कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद में क्या होगा, द इरेशनल नंबर विद द लार्जर रेडिकेंड, जिसका भी रेडिकेंड क्या होगा, बड़ा होगा, वो वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा लार्जर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो यहां पे इसका ऑर्डर कोई पूछे तो ऑर्डर क्या है, फोर्थ। और ऑर्डर क्या है, फोर है, और इसका भी ऑर्डर कितना है, फोर है। अब रेडिकेंड कितना है इसमें, 25 है, इसमें रेडिकेंड कितना है, 21 है। तो जिसका रेडिकेंड बड़ा वो वाला इरेशनल नंबर भी बड़ा, तो इसका दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम केवल रेडिकेंड को कंपेयर करेंगे सेकेंड स्टेप में। तो रेडिकेंड में यहाँ पे 25 बड़ा है, 21 छोटा है, तो जिसका रेडिकेंड बड़ा होता है वो इरेशनल नंबर भी क्या होगा, मतलब वो वाला जो नंबर होगा इरेशनल नंबर वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज और है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सर्ड हो ना वो क्या हो, इरेशनल ही हो। जैसे यहाँ पे रूट 25 है, ये एक सर्ड तो है, लेकिन रूट 25 एक्चुअल में क्या होता है, 5 होता है। तो ये 5 तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो मतलब जो सर्ड होते हैं, मैं यहाँ और लिख देता हूँ, जो सर्ड है वो इरेशनल भी हो सकते हैं और रेशनल भी हो सकते हैं। आई होप ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे रूट 14 था, ये तो क्या है, सर्ड है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। और यहाँ रूट 25 भी एक सर्ड है, क्योंकि रूट के अंडर में लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंडर में, तो सर्ड है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो कोई भी सर्ड इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, कोई नोट डाल के लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम एक कंपैरिजन ऑफ इरेशनल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच इरेशनल नंबर इज लार्जर। IRR का मतलब है इरेशनल नंबर, ध्यान रखना मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो कौन सा इरेशनल नंबर लार्जर है, यानी बड़ा है, वो हमें कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के जो तीन ये स्टेप्स है हमेशा दिमाग में बिठा लो, कि सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम है तो फिर क्या करना है, रेडिकेंट्स को कंपेयर करना। रेडिकेंट्स क्या होते हैं, जो अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि जैसे यहाँ पे रेडिकेंट कितना है, 44, यहाँ पे रेडिकेंट कितना है, 40 है, तो उनको कंपेयर करना है। और जिसका रेडिकेंट बड़ा है वो वाला इरेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तीनों स्टेप्स अगर आप लोगों को याद रहेगी तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन अगर लिखे हम तो बोल सकते हैं, बोथ नंबर्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के दोनों नंबर्स क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करना है, हमारे को रेडिकेंट्स को कंपेयर करना है। तो 44 क्या है, बड़ा है किससे, 40 से। तो जब 44 बड़ा है 40 से, तो जो ये वाला इरेशनल नंबर होगा, तो एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड 44 ग्रेटर है किससे, 40 से। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला इरेशनल नंबर फोर्थ रूट ऑफ 44 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 40। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान था। अब इसको कैसे करें वो ध्यान से समझना। यहाँ क्या दे रखा है, थर्ड रूट ऑफ, या जिसको क्यूब रूट ऑफ 15 एंड फोर्थ रूट ऑफ 20।
अब यहां पे ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, जैसे मैं यहां लिखता जाऊं सबको, इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, यहां पे छोटा सा 3 है ध्यान रखना है, यहां पे 20, इसका ऑर्डर कितना है 4। क्या दोनों के ऑर्डर सेम है? दोनों के ऑर्डर सेम नहीं दिख रहे, तो दोनों को सेम बनाना। अब सेम किसके बनाए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 4 का, और 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए, दोनों के ऑर्डर को, ऑर्डर्स को 12 के इक्वल बनाओ। अब हमारे को दोनों के ऑर्डर को कितना बनाना है, 12 बनाना है, ठीक है, दोनों के ऑर्डर को 12 बनाओ। अब 12 कैसे बनाए वो समझो, देखो मैं यहां समझाता हूं भाई, 15 का ऑर्डर कितना, 3 है, 3 का ऑर्डर का मतलब होता है इसकी पावर कितनी है, 1/3, ठीक है। ऐसे ही यहां 20 है, तो 20 का ऑर्डर कितना है, 4 है, तो यानी पावर 1/4 है। हमें इस 3 को भी 12 बनाना है, इस 4 को भी 12 बनाना है। तो देखो अगर मैं इसको क्या करूं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर तो बन गया 4 और नीचे बन गया 12। अब नीचे इसमें करें तो इसको 4 को 12 बनाना है, तो क्या करें हम, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन गया, 3/12। आई होप ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें तो ऑर्डर 12 बनाना था ना, ये तो 4/12 बना, 3/12। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो वो ध्यान से समझो, ये ऊपर वाला 4 है, इसको तो मैं इसकी पावर लगा देता हूँ, 15 की पावर की फॉर्म में लिख देता हूँ, और इस पूरे को क्या लिख देता हूँ, 1/12। ये मैं एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, मैं यहां करके बता रहा हूं आप लोगों को। तो देखो ये क्या होगा, 4 × 1/12, जो कि वापस कितना बन जाएगा, 4/12। तो मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 3 यहां अंदर, और उस पूरे की पावर 1/12। अब देखो क्या दोनों के ऑर्डर सेम बन चुके हैं क्या, आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि दोनों के ऑर्डर देखो 1/12, मतलब यहाँ पे पावर कितनी है, 1/12, यहाँ भी पावर 1/12 है, तो मतलब दोनों के ऑर्डर क्या बना दिए हमने, 12। यहाँ 12 हो गया ऑर्डर, और अंदर कितना आएगा, 15 पावर 4, और यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, 12 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 20 पावर 3। अब हमें कंपेयर करना है रेडिकेंट्स को, यहाँ पे रेडिकेंट कितना है, 15 पावर 4, यहाँ रेडिकेंट कितना है, 20 पावर 3। तो अब हमें इनको कंपेयर करना, पहले तो 15 पावर 4 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ साइड में आप लोगों को ले करके बता देता हूँ, 15 × 15 × 15 × 15, तो पहले तो इसको इससे करेंगे 225 आएगा, इसको इससे करेंगे 225 आएगा। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो मल्टीप्लाई कर, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, और इससे एक बड़ा नंबर, आपने एक ट्रिक सीखी होगी कि अगर नंबर के एंड में 5 होता है तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 को 5 से कर लो, और बाकी इस 22 से एक ग्रेटर क्या होगा, 23, तो 23 को 22 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 23 को 22 से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 22 को पहले 22 टाइम करो, तो वो कितना आएगा, 484, फिर एक बार और करना है तो 605, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50625, ये तो आ जाएगा इसके रेडिकेंट में अंदर, तो मतलब ये तो कितना बन चुका है, 12 50625। ये आप प्रॉपर तरीके से करके देख लेना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाया है आप लोगों को। यहाँ पे 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 20 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 × 20 = 400, और 400 को क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाएगा, तो अंदर यहाँ क्या आ जाएगा, 8000। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, तो देखो यहाँ का जो रेडिकेंट है वो कितना है, 50625 है, और यहाँ का 8000 है, तो 8000 क्या होता है, कम होता है इससे, तो ये वाला रेडिकेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में अगर लिखें तो ओरिजिनल फॉर्म में क्या था, ये वाला नंबर, ये यानी कि 3√15 क्या है, ग्रेटर है, मतलब √15 ग्रेटर होगा किससे, 4√20 से,
फोर्थ रूट ऑफ 20 से ग्रेटर होगा। आई होप यह चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें इन तीनों को कंपेयर करना है और फिर सबसे छोटे से सबसे बड़े वाले ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेम चीज़ ये करते हैं, सबसे पहले तो तीनों के ऑर्डर को सेम बनाते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो तीनों के ऑर्डर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ सबके, इसका ऑर्डर 6 है, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, 6th root of 6, ये 3rd root of जिसको क्यूब रूट भी पढ़ते थे, क्यूब रूट ऑफ 7 एंड 4th root of 8। आई होप आप लोगों को इसको रीडिंग करना आ गया होगा। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। अब हमें सबसे पहले तो इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एलसीएम यहाँ भी कितना आया, 12 आया, जैसे यहाँ 12 आ रहा था वैसे यहाँ भी 12 आएगा। अब सबके ऑर्डर को कितना बनाना है, 12 बनाना। तो अब 12 को कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझो, मैं एक का बना के बता रहा हूँ, आप लोग क्या करना उसके अकॉर्डिंग सारों को करने की कोशिश करना, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है 6 की पावर 1/6 को ऑर्डर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, तो यहाँ तो बन गया ऊपर तो 2 और नीचे बन गया 12। और अब इस ऊपर वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर 1/12 लिखी जा सकती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम काम हमें क्या करना है इसके लिए करना है, तो 7 की पावर 1/3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 को मतलब यहाँ 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 की पावर 4/12 हो गया, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा और इस पूरे की पावर 1/12। तो देखो ऑर्डर सेम बन गया। अभी फिर इसको करेंगे हम, एक और है उसको, 8 की पावर कितनी है, 1/4 है, तो इसको हमें 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो कितना हो गया 8 की पावर 3 और नीचे कितना हो गया 12 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर यहाँ पे 3/12 हो गया, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3 और उसकी पूरे की पावर 1/12। तो देखो तीनों के ऑर्डर सेम बन गए। अब तीनों के जो रेडिकेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले तो देखो इसको मैं इस प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, इसको 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 36 और उसका ऑर्डर कितना बन गया 12 पहला वाला। फिर यहाँ पे 4 यहाँ पे कितना होगा 7 की पावर 4 है, तो 7 की पावर 4 का मतलब 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं यहाँ करके बता देता हूँ आप लोगों को, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो देखो 7 की पावर 4 है, यानी कि 49 भी लिख सकते हैं इसको, कैसे 7 की पावर 4 को लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई टू, तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 9 9 जा 81, कैरी कितना आया 8 आया, 9 4 जा 36 और 8 कितना हो गया 44, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस यानी 0, 4 9 जा 36 कैरी कितना आएगा 3 आएगा, 4 4 जा 16 और 16 और 3 19, 1 0 4 2, तो इसका रिजल्ट कितना आया 2401, मतलब यहाँ कितना आएगा 2401 का ऑर्डर कितना है 12 है। फिर हम बात करें 8 की पावर 3, मतलब यहाँ पे क्या होगा 8 8 जा 64 होता है और फिर उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 जा कितना होगा 32 का 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 6 जा 48 और 3 कितना हो जाएगा 52, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा 521 और इसका ऑर्डर कितना है 12। अब इनको अरेंज करना है तो सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसका रेडिकेंट 36 सबसे छोटा है, फिर सेकंड नंबर पे ये होगा, फिर थर्ड नंबर पे ये होगा, तो यहाँ क्या आएगा 12th root of 36, फिर उससे बड़ा क्या आएगा 12th root of 512 और उससे बड़ा आएगा 12th root of 2401 और ओरिजिनल फॉर्म में अगर लिखें तो ये 36 वाला पार्ट किसका था, 6 वाला था, तो 6 root 6 सबसे छोटा, फिर 512 वाला कौन सा था ये आएगा, तो 4th root of 8, यहाँ पे 6th root of 6 और फिर आगे आएगा 3rd root या फिर cube root of 7, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा वाला। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर कोई आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।